शहर जलित कांड मामले के निपटारे पर सभी की निगाहें लगी हुई है, जिसने पूरे राज्य का ध्यान अपनी ओर खींचा है। आज मंगलवार 28 दिसंबर को शहर के जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायालय में सरकारी अभियोजक अधिवक्ता उज्जवल निकम की उपस्थिति में न्यायाधीश राहुल भागवत के समक्ष सुनवाई हुई। जांच आरोपी के वकील एडवोकेट भूपेंद्र सोने ने युक्तिवाद पूरा किया है। ये युक्तिवाद 2 दिसंबर को शुरू हुआ था। 7 दिनों तक चली 52 पन्नों की मौखिक और लिखित बहस को आरोपी पक्ष ने आज पूरा किया। अभियोजन पक्ष द्वारा अगली 15 जनवरी को बचाव पक्ष के युक्तिवाद को प्रत्युत्तर दिया जाएगा। इस समय सुप्रसिद्ध वकील उज्जवल निकम उपस्थित रहेंगे और फिरियादी आरोपी पक्ष की दलीलों का जवाब देंगे और उसी पर मामले का परिणाम घोषित किए जाने की संभावना आरोपी के वकील अधिवक्ता भूपेंद्र सोनी ने व्यक्त की। आरोपी पक्ष की ओर से अधिवक्ता भूपेंद्र सोनी की सहायता शुभांगी कुंभारे व जितेंद्र गुंडानी ने की। वहीं फिरियादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता दीपक वैद मौजूद रहे। अब 15 जनवरी को होने वाले इस खटले के बहस पर सभी की निगाहें लगी हुई है। तारीख मुख्यतः फिरियादी पक्षाने घेतली होती प्रत्युत्तराकरिता, पण बचाव पक्षातर्फे आमचा जो थोडासा युक्तिवाद शिल्लक होता आज आम्ही तो पूर्ण केला आणि येणाऱ्या 15 तारखेला फिर्यादी पक्षातर्फे त्या युक्तिवादावर प्रतिउत्तराकरिता तारीख घेण्यात आली। त्या तारखेला फिर्यादी पक्ष आपला मौखिक युक्तिवाद तसाच लेखी युक्तिवाद सादर करेल। आज आम्ही आपला 52 पानाचा लेखी युक्तिवादसुद्धा सादर केलेला आहे आणि जे बचाव पक्षाचे आता संपूर्ण कार्य पूर्ण झालेलं आहे। आता यानंतर शेवटचा दिवस म्हणजे 15 जानेवारी, त्या दिवशी फिर्यादी पक्षातर्फे युक्तिवादाचा भाग पूर्ण करण्यात येईल आणि असं संभवता त्याच दिवशी सन्माननीय कोर्ट याच्यावरती निर्णय देईल अशी आशा करतो। BCN न्यूज के लिए हिंगणघाट से रवी येनोरकर की रिपोर्ट।